अब चलाते हैं इसको। अरे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की जो व्लॉग है वो किचन से रिलेटेड होने वाला। हमने पहले भी एक व्लॉग बना चुके हैं किचन से रिलेटेड, जहाँ पे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नूडल्स टेस्ट करे थे, कौन सा बेस्ट होता है नूडल। तो अगर आपने वाली व्लॉग नहीं देखा हमारा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इससे रिलेटेड होने वाली है। गलती से मैं यार 90% वाली ये चॉकलेट लेकर आ गया था और किसी ने भी खाई नहीं, मतलब एक खिलाई तो काइंड ऑफ जहरी है ये, तो इसको किसने कैसे करके खत्म करना। तो मैंने आज सोचा है कि क्यों ना इससे कोल्ड कॉफी वगैरह बनाई जाए, तभी खप पाएगी, क्योंकि इसके साथ जब हम शुगर वगैरह मिक्स कर लेंगे तभी खत्म हो पाएगी। तो मैं अपने लिए, भाई के लिए बना रहा हूँ आज कोल्ड कॉफी। देखते हैं कि क्या कोल्ड कॉफी बनाने के बाद, मैं आपके सामने ट्राई करूंगा फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं क्या कोल्ड कॉफी बनाने के बाद इसका जो कड़वा बना जहर बना वो खत्म हो पाता नहीं हो पाता। टिपिकल चीनी का डब्बा। बट ये ऐसे तो पिस नहीं पाएगी, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि हमें इसको गैस पे रख के इसको लिक्विड फॉर्म में करना होगा, तभी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो पाएगी हमारे मिल्क के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि छः क्यूब बहुत रहेगी दो ग्लासों के लिए, तो मैंने छः क्यूब ले ली है। बाकी की फिर कभी यूज होगी, अगर ये आज का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहा तो फिर इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसको मैं फ्रिज में रखा था, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं हीट, और हीट करने के बाद तो थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। तो हमने भर लिया इसमें पानी, गैस हमारी जल चुकी है यहाँ पे। तो ये हमारे चॉकलेट्स के छोटे छोटे पीस करके कटोरी में डाल लेते हैं कच्चे। वॉगिंग करके ये सब करना इतना आसान नहीं है, और साथ में चीनी भी डाल देते ताकि चीनी भी इसके साथ ही मेल्ट हो जाए, ताकि दोनों चीज अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। टीस्पून नहीं है, टेबलस्पून है ये। तो मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी है और गैस भी चालू हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं फ्लोट। तो ये अपना फ्लोट होने लगा और गर्म जैसे वैसे होता रहेगा वैसे वैसे ये अपनी पिघलती रहेगी। सो गाइस मेन रीजन क्या है इसका ये ऐसा करने का कि मैंने और यूट्यूब वीडियोस में भी यही देखा था, तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, अगर आप डायरेक्ट गैस पर रख दोगे चॉकलेट को तो वो जल जाएगी, तो इस वजह से जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो मेक श्योर करें कि आप उसको पानी में रख कर किसी यूटेंसिल को फिर गर्म करें, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो सके। जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये मेल्ट होनी चालू हो गई है और अब बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने लगा है, और साथ में जो शुगर थी वो भी मेल्ट हो गई है। तो उसका जो हल्का हल्का जो लेसदार बन होता है ना, जैसे चीनी का जब खिंचती है तो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है चॉकलेट में, और काफ़ी ज़्यादा रिच लुक आने लगा है। अच्छा, मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप ज़्यादा तेज गैस पर कर दोगे तो पानी उछलने लगेगा और उसकी वजह से वो यूटेंसिल में भी आ जाएगा। सो गाइस फ्यू मिनट्स लेटर हम लोग आज को अपनी किचन वापस। ये तो बहुत गर्म है। वॉगिंग करते हुए आपको ये सब काम जो है ना, तब आपका अच्छी दिमाग चलता है, क्योंकि आपको कैमरे से दिखाना भी है ये चीज़, साथ में साथ आपको गलती भी नहीं करनी है, नहीं तो एक गलती पड़ेगी महंगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो गाइस फाइनली जो है दूध मिक्स करके जो है ये इतना पतला पेस्ट बन चुका है, तो बहुत जरा जरा सी जो नीचे नीचे की चॉकलेट है वो बस हल्की हल्की रह गई है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम अपने जार में दूध और बर्फ़ डाल दें। ये अब जा रहा है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। एक बार ऐसे ही चला के देख लेता हूँ और हल्का ट्राई टेस्ट कर लूंगा कि जो कड़वा बने वो गया नहीं गया। अगर नहीं गया होगा तो थोड़ी सी चीनी और डालनी पड़ेगी। भी डाल देते हैं इसमें।
आर वी रेडी गाइस? भाई कहीं खुल के फेंक ना जाए। ओके द मोमेंट ऑफ द आवर, द मोमेंट ऑफ द आवर। झाग तो अच्छा है, तो उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। अरे तो जहरी जहर रहा अभी, बहुत चीनी डलेगी अभी भाई, इसमें 10 चम्मच चीनी डलेगी अभी। अरे यार ग्रेट सक्सेस नहीं हुई। तो यार इसमें अब हम 5 चम्मच चीनी में और डाल रहा हूँ भाई, जहर है जहर इस टाइम अभी। चार चम्मच चीनी, दोबारा चला के देखते हैं। हम दोबारा और बना, दोबारा मैंने चीनी डाल दी, अब चलाते हैं इसको। अरे ऊपर ऊपर का ढक्कन तो लगाया ही नहीं था, अभी चींची लेदर मच जाती है, अभी पूरी किचन जो है कोल्ड कॉफी पी रही होती है। सेकेंड टाइम दोबारा से हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या 5 चम्मच चीनी बढ़ाने के बाद भी जहर को चीनी काट पाई या नहीं काट पाई। लुकिंग नाइस, लुकिंग नाइस। भाई साहब, भाई थोड़ा सा ठंडे की कमी है, अब बहुत जबरदस्त बन गई है। मतलब आप समझ लो अगर आप 5 क्यूब ये वाले ले रहे हो, बिल्कुल जो प्योर आपका कैवेंटस का टेस्ट आता है ना, हल्का का वो वाला आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई आउट दे सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर करें कि आप चीनी की क्वांटिटी अच्छी डालें, 10 चम्मच चीनी 2 ग्लासों में तो मुझे सही लग रही है, तब जाके उसका जो कड़वापन है वो खत्म हुआ है, तो वो पीने लायक बनी है अभी। It was at this moment that he knew he fucked up. Guys, ये vlogging के चक्कर में ये क्या हो गया? चलो लेके जाते हैं रजत भाई के पास और पिलाते हैं उन्हें। Bro, चेक करिए, बताइए, लाइट जलाइए पहले। एक ग्लास लुढ़क गया पूरा। फिर क्या पिएगा? नहीं मतलब 3 ग्लास बने थे। व्लॉगिंग पड़ी भारी, सही है ना? चलो अभी कभी अभी अभी बचाए, मतलब अभी काफी सारा बचाया यार, अभी और ले सकते हो, बहुत सारा है एक्चुअली। बर्फ बर्फ मिल मिल के ना वो ज्यादा बन गया। सो गाइस, आज के ब्लॉग को इसी नोट पे एंड करते हैं, मुझे अब सफाई करनी पड़ेगी, रात के 12 बज रहे हैं। तो आपको अगर ब्लॉग जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा, लास्ट में काम खराब हो गया पूरा, तो इसी नोट में सफाई कर लेता हूँ, सोने का टाइम भी हो जाएगा। तो इसी नोट पे ब्लॉग को एंड करते हैं। किसी से ब्लॉग पसंद है, किसी कॉमेडी लगी हो तो डेफिनेटली इसको जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।